अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार आलू की कतलियाँ, जिसके लिए बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है और ये बहुत कम वक्त में बहुत अच्छी मज़ेदार बन जाती हैं। चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं और फटाफट बनाते हैं। हमने आलू ले लिया है, कड़ी पत्ता ले लिया है, टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ी सी कुटी मिर्च, दो पिंच हल्दी और ज़ीरा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। डालेंगे ज़ीरा, डालेंगे हम ये कड़ी पत्ता शामिल कर देंगे, आलू डाल देंगे। बहुत छोड़ना चाह रहे हैं आलू। छोटी मिर्च और हल्दी, और ये टमाटर, नमक शामिल करेंगे। बहुत अच्छी मज़ेदार सी खदार की खुशबू आ रही है, कड़ी पत्ते की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। आप इसमें कड़ी पत्ता ज़रूर डालें आलू की कतलियों में। चलें हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आलू गलने तक पकाते हैं। थोड़ा सा ही पानी शामिल करेंगे, बस अब इसको हम ढक देंगे और आलू गलने तक पकाएंगे। चलें जब आलू गल जाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। थोड़े से आलू को आप जब आलू गल जाए तो उसको थोड़ा सा कुचल लें, थोड़े से आलू को। अब ये तैयार है, अब हम डिश आउट करेंगे। ये हमने गार्निशिंग के लिए चीज़ें रेडी कर ली हैं, हरा धनिया और हरी मिर्च। चलें आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको हमारी वीडियोस में दो तरह की आवाज़ें आती होंगी, कभी जो है मेरी सिस्टर अबीहा की मामा कुकिंग करती हैं और कभी मैं कुकिंग करती हूँ अलीशबा की मामा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सपोर्ट किया। इसी तरह आप हमें हमारी सारी वीडियो देखते रहें और उसको लाइक करें, शेयर करें। ये मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ तैयार हैं, आप सब ट्राई करें अपने घर में भी। अल्लाह पाक सबको आप अपने घरों में खुश रखे, दुआओं में याद रखिएगा। चलें फिर कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी मम्मा ने आलू की कतलियाँ रेडी कर दी हैं। अब आप कमेंट बताएं आप लोगों को कैसी लगी है, तो आप हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।